जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फिनिटी डिफेंस न्यूज में। दोस्तों आज की खबर नौसेना की तरफ से होने वाली है। एक और कारनामा मेड इन इंडिया के तहत पूरा हो गया है। भारत की निर्भरता दिन प्रतिदिन विदेशी हथियारों से कम होती जा रही है। आपको बताते चले कि ALH MK 3 की दूसरी स्क्वाड्रन को नौसेना में शामिल कर लिया गया है, जो एक स्वदेशी अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है। तो दोस्तों इस खबर में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में बात करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK 3 का संचालन करने वाली एक स्क्वाड्रन को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ताकि इसकी लड़ाकू क्षमता को बढ़ाया जा सके। अधिकारियों ने कहा है कि INS 325 स्क्वाड्रन को अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने मंगलवार को पोर्ट ब्लेयर में INS उत्क्रोश नौसेना हवाई स्टेशन पर आयोजित एक समारोह में नौसेना में शामिल किया था। उन्होंने बताया कि नव शामिल हेलीकॉप्टरों ने इस साल की शुरुआत में पहली बार अंडमान द्वीप समूह के ऊपर से उड़ान भरी थी और उन्हें आधिकारिक तौर पर 28 जनवरी को शामिल किया गया था। ये दूसरी इकाई ध्रुव MK 3 स्क्वाड्रन है जिसने भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने अपने संबोधन में नेवल एयर स्टेशन के प्रयासों की सराहना की है। वायु नौसेना स्टेशन में ध्रुव MK 3 के शामिल होने से इस क्षेत्र में उनकी निगरानी क्षमताओं में वृद्धि होने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा है कि यह विमान केवल क्षेत्र में सैन्य क्षेत्रों को मजबूत करेगा, बल्कि किसी भी समय स्थानीय प्रशासन को सहायता प्रदान करने में सक्षम होगा। अत्याधुनिक बहुभूमिका हेलीकॉप्टर का विकास और निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बेंगलोर द्वारा किया गया है। स्क्वाड्रन की कमान अविनाश कुमार शर्मा के पास है, जो एक अनुभवी पायलट हैं। दोस्तों इससे पहले हम रूस में बने निर्भर थे और हमारी तीनों सेनाओं में इनका बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है। अब इनके प्रभाव को स्वदेशी हथियारों से धीरे धीरे कम किया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि इस दशक के अंत तक भारत में हेलीकॉप्टर का आयात शून्य हो जाएगा और स्वदेशी कंपनियां हर कैटेगरी के हेलीकॉप्टर बनाने में सक्षम हो जाएगी। इस दिशा में बहुत से प्रोजेक्ट अभी स्वदेशी कंपनियों में चल रहे हैं। आप इस टॉपिक पर अपना क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।